हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में फाइनली हम आ गए हैं गोवा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवा में मैं कहाँ रुका हूँ, कौन सी बेस्ट जगह है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जो जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों रुकने के लिए, वो जगह दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या आप फ्रेंड्स के साथ हो, ग्रुप के साथ हो या गर्लफ्रेंड के साथ हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रुकना बहुत ही बेटर है। दोस्तों, फैमिली के लिए मैं अवॉइड करूँगा कि फैमिली के लिए यहाँ ना रुकें, क्योंकि यहाँ पार्टीज़ और यंगस्टर्स इस तरह के लोग रुकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुस्ताज कोवर्क हॉस्टल, जहाँ मैं रुका हूँ गोवा में, जो कि ये है मैंड्रीम के पास और ये है 18 किलोमीटर दूर बागा बीच और कलंगट बीच, जो फेमस बीच है उनसे दूर। तो दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ और ये दोस्तों मेरे पीछे इस तरह से ये है पूरी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, इसका मैं आपको पूरी जर्नी और पूरा टूर देने वाला हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं यहाँ रुका हूँ, यहाँ क्या है, कैसा है और क्या प्रोसीजर है और कैसा मेरा बंक है और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री लोगे, वैसे ये पूरी ओवरऑल आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। और जैसे ही आप एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। जैसा कि मैंने व्हीकल रेंट पे लिया है, वो व्हीकल के बारे में भी आपको गाइड करूँगा कि मैंने कौन सी व्हीकल रेंट पे ली है। और इस तरह से यहाँ पे पूरा रिसेप्शन एरिया रहेगा और वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करना है। और ये पूरा सिटिंग एरिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके पहले चलते हैं, हम कहाँ रुके हैं उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ और बताता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कहाँ रुका हूँ और कैसा है मेरा बंक, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक लगे, हालांकि काफ़ी दूर है ये नॉर्थ गोवा, मतलब जो नॉर्थ गोवा के जो बीचेस हैं, जितने भी बीच हैं, मतलब फेमस बीच जैसे कि बागा बीच, कलंगट बीच, उन सब से काफ़ी मतलब ये दूर हैं। मतलब 18 किलोमीटर्स पड़ेगा आपको नॉर्थ गोवा के जो बेसिक बीच हैं, जैसे कि बागा बीच, कलंगट बीच, वहाँ से आपको ये कुछ 18 किलोमीटर पड़ेगा। पर दोस्तों, वर्थ इट है, बिकॉज ऑफ मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट पर डील मिल रही थी और मैं आया हूँ अभी इस तरह से ऑन पीक सीज़न पे। तो मैंने सोचा क्यों ज़्यादा पैसे देकर हम क्यों दूसरी जगह रुके, जब हो मुस्ताज, जो कि मेरा ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस अच्छा रह चुका है जयपुर का। आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर आई कार्ड में मैं जयपुर मुस्ताज हॉस्टल का वीडियो का आई कार्ड दे दूँगा। चलिए, अब मैं कहाँ रुका हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सिटिंग एरिया है दोस्तों, इस तरह से ये देख सकते हो आप, ये पूरा ओवरऑल सिटिंग एरिया है और ये एंट्री है। वहाँ अंदर वो सीट पूरा अंदर बैठने का है, सब कैफेटेरिया वगैरह। और इस तरह से यहाँ ये पूरी लेन है, यहाँ पर आप इस तरह से अपनी बाइक्स वगैरह जो रेंट पे आपने लिए हो पार्क कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ जहाँ मैं रुका हूँ, जो मेरे बेड्स हैं। बट दोस्तों, सो इस तरह से ये अंदर का जो व्यू है और ये मेरा बेड है। इस तरह से कुछ टोटल एट बंक्स है और उसमें से ये वाला अपर वाला मेरा है, थोड़ा मैशी हो रखा है बिकॉज ऑफ अभी जस्ट आया हूँ और शावर लेके बस रेडी किया है मैंने इस तरह से। तो दोस्तों, ये इस तरह से बाहर का व्यू है, आप यहाँ पे वर्क वगैरह कर सकते हो। और ये कुछ अंदर का व्यू था। तो दोस्तों, इस तरह से ये ओवरऑल व्यू है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप आ सकते हो यहाँ पर। और इसका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी बेटर है, क्लीन और बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी क्लीन है, जैसे आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, तो इसका आप कैफेटेरिया वगैरह मैं आपको बताता हूँ और देखते हैं कैफेटेरिया में कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये है वर्क स्टेशन, यहाँ पर चिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है मॉर्निंग का कुछ व्यू, इस तरह से बालकनी है, यहाँ बालकनी में बैठ सकते हो। और ये है, ऑलराइट दोस्तों, सो ओके, हाँ। तो जैसा कि आपने मेरा बंक देखा, एंड वहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हो, चिल कर सकते हो। और ये है पूरा, जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हो,
ये है कॉमन एरिया, यहाँ पे आप बैठकर चिल कर सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो, और ये नाइट के टाइम पे बल्ब चलने के बाद कुछ काफ़ी बेटर लगेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ ही बैठकर हम लंच भी कर सकते हैं, इस तरह से कुछ ओवरऑल व्यू है, काफ़ी बेस्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये कॉमन एरिया है दोस्तों, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ये रिसेप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वहाँ किचन में कुछ खाना को पूरा है जो कि ठीक नहीं लगेगा इस तरह से बताना। तो दोस्तों ये है, और यहाँ पार्किंग है, सो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो, बहुत ही सेफ है, बहुत ही बेस्ट जगह है दोस्तों। अगर आप गोवा आते हो और आपको नॉर्थ गोवा में रुकना हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ग्रुप में हो, या गर्लफ्रेंड हो, या जो भी किसी के साथ भी, फैमिली के साथ आप अवॉइड करना, बिकॉज़ ये सब जो हॉस्टल्स होते हैं मोस्ट ऑफ ये यंगस्टर्स के लिए होते हैं, फैमिली के लिए मतलब कन्वीनियंस नहीं रहते हैं, बिकॉज़ यहाँ ज़्यादातर यंगस्टर रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपने पूरी तरह से देखा, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको अच्छा लगा हो तो आप यहाँ आ सकते हो, इसका एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा, और मुझे ये कितने में पड़ा है उसके जानने के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कमेंट में बताऊँगा कि मुझे कितने में पड़ा है, बहुत ही बेस्ट रेट में मुझे पड़ा है। और ये अभी नॉर्थ गोवा में है, मैंड्रीम के पास, ये जो नॉर्मल आपने सुना होगा, ये अपने जो बागा बीच हो गए, इन सब से कुछ 18 किलोमीटर्स दूर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, सो जैसा कि आपने पूरा ओवरऑल इसका लोकेशन देखा, और ये एक मेरा फ्रेंड्स भी आ गया है मुझसे मिलने, अभी मिला है, सो और ये ओवरऑल पूरी जो प्रॉपर्टी है। दोस्तों इस तरह से ओवरऑल मैंने आपको व्यू दे दिया है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।